नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अन टेक्निकल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, जो कि है FSSAI की तरफ से, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। ये जो दोस्तों प्रोग्राम है, ये 8 वीक से लेके जो है वो 6 मंथ तक जो है वो हो सकता है। इसमें आप बिना किसी फीस को पे करें इंटर्नशिप ले सकते हैं और अभी ये शुरू हो गया। नवंबर 1 को जो है वो ज्वाइनिंग है। आप चाहें तो ऑनलाइन अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है इसमें वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता देता हूँ कि इस इंटर्नशिप में आपको जो है वो फ़ायदे क्या होंगे। सबसे पहला फ़ायदा दोस्तों आपको ये होगा कि आपको एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी में जो है वो इंटर्नशिप जो है वो मिलेगी, जिसमें कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा स्टडी के साथ साथ और आप कुछ सीख पाएंगे। दूसरा फायदा दोस्तों आपको ये होगा कि जैसे आपका जो ये वाला ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड की तरफ से जो है वो होगा, अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें कि आपको जो है ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाएगा अगर आप 6 मंथ का करते हो या 8 वीक का करते हो, जो कि एक तरह से आपका जो है वो एक्सपीरियंस होगा, यानी कि आपने प्रोजेक्ट करा हुआ है। मतलब कि आपके पास जो है, जैसे आप स्टडी जो है वो कंप्लीट कर लोगे, इंटर्नशिप ये वाली ले लोगे, तो आपके पास ऑलरेडी जो है एक तरह का 6 मंथ का जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा और कोई भी उसको झुठला नहीं सकता है। तो आप कभी भी कहीं भी अप्लाई करें तो आप अपना ये वाला जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो शो कर सकते हैं, ताकि आप जो है जैसे स्टडी कंप्लीट करें तो आप एज ए फ्रेशर जो है वो अप्लाई कहीं भी मत करिए, एज ए एक्सपीरियंस जो है वो अप्लाई करिए। तो ये दोस्तों फायदा है। उसके अलावा दोस्तों एक फायदा और है, अगर इन फ्यूचर कोई वैकेंसी निकलती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, तो उसमें भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको प्रेफरेंसेस दी जाएगी, क्योंकि आपके पास जो है इंटर्नशिप का जो है ये वाला सर्टिफिकेट होगा। तो ये दोस्तों फायदे हैं इंटर्नशिप के। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन कौन इसके लिए जो वो अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा और हायर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो आप इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अगर आप लाइफ साइंसेज पढ़ रहे हैं, केमिकल साइंसेज पढ़ रहे हैं, फूड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आप थर्ड फोर्थ ईयर है आपका बैचलर डिग्री प्रोग्राम का, तो भी आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों होती है 8 वीक की, लेकिन आपको जो है ये 6 मंथ की भी हो सकती है, इसमें कोई वो जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहें तो वो 6 मंथ की भी कर सकते हैं। ये दोस्तों 4 सेंटर्स है जिनकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है, जहाँ पे आपको इंटर्नशिप के लिए बुलाया जाएगा। वर्किंग स्पेस वो आपको जो है वो प्रोवाइड जो है वो करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्टाइपेंड की डिटेल। स्टाइपेंड यानी कि वेतन आपको थोड़ा बहुत जो है वो दिया जाएगा जैसे आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस बताया उन्होंने कि एप्लीकेशन जो है आपको कैसे जो है वो सबमिट वगैरह जो करनी है, तो उसके लिए भी मैं आपको जो है अभी बता देता हूँ कि कैसे जो है वो अप्लाई करना है। इस नोटिफिकेशन का लिंक, इस सर्कुलर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप इसके लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। 21 अक्टूबर तक दोस्तों आपको इसके लिए जो अप्लाई करना है और 25 अक्टूबर को वो जो है वो बता देंगे कि कौन कौन इसके लिए जो सिलेक्ट हुआ है। हज़ारों लोग जो है हर दूसरे मंथ में इसके लिए जो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उसके बाद जो है वो नीचे ये जो उनके सेंटर्स है जहाँ पे आपको जाना है, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल देगी। बस यही है दोस्तों इस छोटे से सर्कुलर में। तो मैं चाहता हूँ अगर आप स्टडी कर रहे हैं साथ में, तो ये अच्छा मौका है एक अच्छी जगह पे जो है इंटर्नशिप लगवाने का। तो अगर करना चाहते हैं अप्लाई, तो चलिए मैं बता देता हूँ कि अप्लाई जो है वो कैसे करना है। दोस्तों अगर अप्लाई करना चाहते हैं इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए, तो आपको सबसे पहले जो है उस लिंक पे जो है वो आना होगा। इस लिंक पे दोस्तों आने के बाद आपको यहाँ पे जो है ये फॉर्म दिखेगा, ये फॉर्म आपको फिल कर लेना है। कुछ खास नहीं है इस फॉर्म में, अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है मेन जो चीज़ है वो यही है, आपको अपना एक प्रिज्यूम जो है वो अपलोड करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे नवंबर मंथ की जो इंटर्नशिप है यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दीजिए, ऊपर वाली फील्ड्स को भी जो है वो फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप अपना रिज्यूम जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, और ये सारा कुछ करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, और अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं उस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए, तो आपके पास अच्छा मौका है इंटर्नशिप लेने का गवर्नमेंट अप्रूव कंपनी में। सो ऐसे दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।